टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ कैसे निकलेगी, इसको एक बार देखना है। देखो, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ के अंदर क्या करेंगे आप, फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि यहाँ पर जो डार्कनेस और ब्राइटनेस के बैंड बनते हैं उन बैंड को फ्रिंजेस बोलते हैं। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ऐसा। तो कितनी थिकनेस बनती है उस डार्कनेस की, कितनी थिकनेस बनती है उस ब्राइटनेस की, वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है फ्रिंज विड्थ। तो एक काम करते हैं, पहले इस एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करने से पहले, ये YDSC एक्सपेरिमेंट है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमेशा छोटे डी से ही रिप्रेजेंट करना है। दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय छोटा डी। स्लिट्स और स्क्रीन, ये देख रहे हो, ये स्क्रीन, इसके बीच में डिस्टेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय बड़ा डी। ये बार बार नहीं समझाया जाएगा, बस सीधा पूछूंगा कैपिटल डी कितना है, स्मॉल डी कितना है, ये पता होना चाहिए। स्मॉल डी और ये कैपिटल डी, ये इंटरचेंज नहीं होंगे, कैपिटल डी एक ही है, स्मॉल डी एक ही है, चेंज ही करना है इसे। ये जो स्लिट्स का सेंटर है, ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर। इस सेंटर की खास बात ये है कि अगर आपके पास दो वेव्स यहाँ से आती हैं, एक वेव ऊपर से एक वेव नीचे से, लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, इसको पहुँचने में अगर दो वेव लगती हैं तो इसको पहुँचने में भी दो वेव लगेंगी, तो ये पॉइंट हर हालत में क्या होगा, मैक्सिमा। ये क्या होगा, मैक्सिमा। यहां पर मिनिमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो क्रेस्ट फेंकेगा तो ये भी क्रेस्ट ही फेंकेगा। तो पॉइंट क्लियर है, और क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंटर का पॉइंट। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब सपोज करो आपके पास ये स्क्रीन है, ये आपका सेंटर का पॉइंट है C, और मान लो एक और पॉइंट है P। अब एक वेव यहां से आएगी, एक वेव यहां से आएगी, राइट, दो वेव आएंगी, मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूं पर वेव तो सीधा आएगी। तो इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है P, ये है कैपिटल D, और ये है इनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी। अब सारे डिस्टेंसेस आप कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम सेंट्रल, इसको ओरिजिन माना जाता है। अगर मैं बोलूं कि ये पी पॉइंट की दूरी लेनी है तो पी पॉइंट का डिस्टेंस जो लिया जाएगा वो हमेशा कहां से लिया जाएगा, फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ही लिया जाएगा। क्लियर है, पी सेंटर पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमा ही जनरेट होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो आइडेंटिकल वेव्स ही जा रही हैं और पाथ डिफरेंस वहां पर जीरो है। पर पी पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा तुम ये कह नहीं सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि एट पॉइंट पी पाथ डिफरेंस कितना है, एक वेव ने, नीचे वाली वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बीपी, और ऊपर वाली वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया एपी, रास्ता पाथ, और मैंने क्या निकाल लिया, पाथ का डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि पी पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो कैसे, अगर ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हुआ फिर तो समझो ये पॉइंट किसका आएगा, मैक्सिमा। हमने लास्ट टाइम किया था, अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है तो चेक करो मैक्सिमा का पॉइंट है। लेकिन अगर ये पाथ डिफरेंस 2n-1 इनटू लैम्डा बाय 2 हुआ तो समझो ये क्या आएगा, मिनिमम। तो ये पाथ डिफरेंस या तो ये आएगा या ये आएगा। तो अगर ये आ गया पाथ डिफरेंस तो मैक्सिमा, अगर ये आ गया तो मिनिमा, कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं आपको पाथ डिफरेंस निकालना सिखा दूं तो तुम दो कंडीशन बना लेना कि वो पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा तो मैक्सिमा की कंडीशन है, और अगर 2n-1 लैम्डा बाय 2 तो मिनिमा की कंडीशन है। तो वहां से सॉल्व करके हम फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशंस करेंगे।